क्या आप भी मार्केट में जाते हैं चार्जर खरीदने के लिए? जैसे मेरे पास यहाँ पे चार्जर है, अगर आप चार्जर खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो होते हैं वो अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है, वो बोलता है भैया मेरे जो दुकान में है ना वो सभी के सभी ओरिजिनल है। अब क्या करोगे आप सोचते हो अरे भैया वो तो ओरिजिनल बोल दिया, हमको अब ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा है, बहुत चलेगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, कितना भाई इतना पैसा हुआ, चलो भाई ले लो, 10-5 कम करवा के दे देते हैं और अपना चार्जर लेके आ जाते हैं। अब होता है क्या है, जैसे चार्जिंग में लगाए तो गया चार्जर, गया फुस, आपका ये चार्जर हो गया ब्लास्ट, ये हो गया उड़ गया, जल गया। आप टेंशन में लेके बैठ जाते हो, ओह मेरा चार्जर लाया था वो चार्ज में लगाया ना ब्लास्ट हो गया, क्यों हुआ ये तो ध्यान नहीं दिए, अरे ये हाई वोल्टेज हो गया होगा ना, इसके वजह से जो है चार्जर जो है ब्लास्ट हो गया, जल गया। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये चार्जर जो आपको दिया है वो डुप्लीकेट दिया होगा, ये आप कभी नहीं सोचिएगा। और चार्जर के नाम पे आपको जो दुकानदार है वो अच्छी खासी आपको पोपट बना देता है, उल्लू बना देता है और आपसे अच्छा खासा चार्ज भी ले लेता है, और आपका जो है चार्जर वो डुप्लीकेट पकड़ा देता है कि लेके भैया जाओ यह ओरिजिनल है। अब आप बहुत ही टेंशन में रहते हो कि हम क्या करें ना करें। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप पर जाना। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप चार्जर लेते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो मेरा चार्जर है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, फेक है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो है चार्जर लेंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे। बहुत सारा होता है, अरे यार हम तो टेंशन में क्या लग पड़े, छोड़ो जो देता है ओरिजिनल ही होगा ना, लेके आ जाते हैं। बट आप वहीं थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम दे देते हैं, आप इसमें जो सिंबल बना हुआ वो सिंबल को वहाँ पर देख लेते हैं, अगर पहचान लेते हैं तो आप समझ पाइएगा कि ये ओरिजिनल चार्जर है। अगर ये सिंबल नहीं है इसमें लिखा हुआ, आपका चार्जर है ये फेक है, डुप्लीकेट है, ठीक है, आप तो जो है ये वो दुकानदार आपको पोपट बना रहा है ओरिजिनल के नाम पे। तो कैसे पहचानेंगे कि ये आपका चार्जर है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, फेक है, तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं या ऑनलाइन जो है चार्जर मंगाते हैं तो हम लोग जो ना ये नहीं पहचान पाते हैं कि मेरा जो चार्ज आया हुआ है या जो हम शॉप से मार्केट से ले रहे हैं वो जो है ओरिजिनल है या फेक मेरा चार्जर है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ किस तरीके से अगर आप चार्ज ले रहे हैं तो वो जो आपका चार्जर है वो फेक है या ओरिजिनल है उसको आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर आपको सिंबल देखने को मिल रहे होंगे, तो आप बहुत सारे जो होते हैं 5% लोग होते हैं है ना, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, चार्जर लेके आ जाते हैं और सोचते हैं अरे यार हटाओ ना, हमको तो चार्ज करने से मतलब है ना, ये सिंबल है तो क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल है ये आप जो ओरिजिनल चार्जर की है इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि आप जो चार्जर ले रहे हैं वो जो है ओरिजिनल है या फेक है, इससे ही आपके जो ओरिजिनल चार्जर का पता चलता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो तो सिर्फ चार्ज करने से मतलब होता है, अरे भाई कोई भी दे दो मैं चार्ज कर लूँगा। अगर उस सिचुएशन में अगर यह आपका चार्जर ब्लास्ट हो जाता है ना, फुप हो जाता है, ब्लास्ट करता है, जल जाता है, तो आप सोचते हैं अरे यार इतना लाया 100 रुपया का लाया था 500 का लाया था और मेरा चार्जर है ना हाई वोल्टेज की वजह से ये जो है फूक गया है, उड़ गया है, जल गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको जो पहचान कैसे कीजिएगा कि आपका जो चार्जर है ये जो है ओरिजिनल है या फेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आप चार्जर जो ले रहे हैं उसको आप कैसे पहचानेंगे। अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर सिंबल का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डबल इंसुलेट। इसका मतलब ये होता है, डबल इंसुलेट का मतलब ये होता है कि आपको जो इसके अंदर में जो वायर है, जो तार है, वो डबल बैंडिंग हुआ है, डबल इंसुलेट हुआ है, तो जब भी
जो ढीला पड़ जाते हैं या निकल जाते हैं तो आपको जो है शॉक लगने की या कि आप बोले करंट लगने की आपको जो है इसमें चांसेस नहीं होते हैं, इससे आप बच सकते हैं। तो डबल इंसुलेट का मतलब ये होता है, बहुत लोग जो सोचते होते हैं अरे यार हमको क्या है मतलब, हमको तो सिर्फ चार्ज करने का मतलब होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ये स्क्वायर जो बना हुआ है नहीं, ये स्क्वायर का मतलब होता है कि डबल इंसुलेट आपको इस चार्जर के अंदर जो है तार जो है डबल इंसुलेट हुआ है, तो ये जो है आपको सेफ्टी होता है और ये आपको ज़्यादातर ओरिजिनल चार्जर में मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भी नहीं बोलिए, जबकि आप जो है इसको जो है आप बोल सकते हैं रोमन भाषा में 5। तो अगर जो भी लोग इसको जानते हैं रोमिंग भाषा में तो रोमिंग भाषा में इसको आप 5 पढ़ सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल चार्जर होते हैं ओरिजिनल चार्जर पे आपको यहाँ पे ये सिंबल आपको जो है भी टाइप में यहाँ पे 5 टाइप में आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्री है जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 4 भी लिखा रहेगा, है ना, वहाँ 4 रोमिंग में आपको यहाँ पे 4 लिखा रहेगा। तो ये भी एक ओरिजिनल चार्जर की पहचान होता है, जिससे आप जो है यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी मतलब रोमिंग में आपको यहाँ पे 5 लिखा होता है। तो बहुत सारे एशियन कंट्री में यहाँ पे आपको 4 भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि जो आपका चार्जर है ये जो चार्जर है आपको जो है ओरिजिनल चार्जर है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होम सिंबल का। होम सिंबल का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार हमको क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ चार्ज करने का मतलब है, मोबाइल चार्ज हो जाए बस। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आपको ये चार्ज है कहीं भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो चार्ज होते हैं ये जो होम का जो सिंबल होते हैं, ये होम का सिंबल इसीलिए दिया जाता है कि आप जो ये जो आप चार्जर है आप सिर्फ इसको घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जो होते हैं पब्लिक प्लेस होते हैं या बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे जो है आप चार्ज को लगाइएगा तो वहाँ पे हाई वोल्टेज की वजह से आपका चार्ज भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये सिंबल का ये मतलब होता है कि ये जो आप चार्जर है आप इसको अपने घर पर ही यूज कीजिए, क्योंकि घर पर जो करंट आता है वोल्टेज आता है वो एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है, उतना में ही आपको घर पे वो सप्लाई दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे सिंबल का मतलब होता है कि जो आप चार्जर है उसको आप घर पे ही यूज कीजिए। अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको खुद नहीं पता होता है कि भैया यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर आप चार्जिंग में लगाते हैं, अगर जैसे ही लगाते हैं तो आपका जो चार्ज है कुछ देर के बाद ये गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है। तो आप सोचते हैं अरे यार मेरा ओरिजिनल था ये भी ब्लास्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सिंबल का ये मतलब होता है। बहुत सारे लोग तैयार है हमको क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ इसका यूज करने का मतलब, चलो यूज कर लेते हैं, इस सिंबल का कुछ जानने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे रिसाइकिल बिन का। रिसाइकिल बिन का ये मतलब होता है कि भैया ये जो आप चार्जर है इसको ऐसे ही कहीं पे नहीं फेंक सकते हैं। अगर माल सपोज डैट अगर आपका ये चार्ज खराब हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसको ये टाइम नहीं होता कि अरे यार चलो हम इसको जो चार्जर को जो है ना जाके जो है इसको कस्टमर केयर है सर्विस है यहाँ पर जाके रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको जो है ये सिंबल का मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे कोई कचरा डब्बा में नहीं फेंकना है या इधर उधर कहीं नहीं फेंकना है। अगर ये आपको जो है जाके सर्विस सेंटर में इसको आपको जो है दे देना है और वहाँ पे इसको एक रिप्लेस कर देता है, तो आपको सिंबल का ये मतलब होता है कि आप वहाँ जाके इसको दे दीजिए, इधर उधर नहीं फेंकिए। तो ये सिंबल का ये मतलब होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई का, यहाँ पर आई का बटन आपको यहाँ पे इसलिए ये मिल जाता है कि ये जो है आपको इस सेफ्टी दिया गया, इसी वजह से ये जितने सिचुएशन ये सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद ये सिंबल मिलता है। बहुत सारे आप देखे होइएगा ओरिजिनल चार्जर होते हैं आपको जो है इस ये 3-4 पार्ट ही होता है, मगर ये जो अभी नया में आया है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आई का, यहाँ पे ये इतने जो फॉर्मेलिटी है ये सब पूरा होने के बाद ये पूरे जो है सर्वे करने के बाद इसको सत्यापन करने के बाद जो है ये सिंबल दिया गया है कि ये जो आपका चार्जर है वह 101% सेफ्टी है, सुरक्षित है, आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे आपको कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है बार कोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पर बार कोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ नंबर कुछ हैड होते हैं, ये कंपनी के जो इस नंबर और ये हैड होते हैं, अगर आप इसको मोबाइल से स्कैन करते हैं तो आपको जो है ओरिजिनल चार्जर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है। तो इसका ये मतलब होता है ओरिजिनल चार्जर का। तो अब तो आप है ना कभी भी मार्केट जाइए तो आप पोपट नहीं बनिए, वहाँ जाने के बाद बहुत ही आसानी से आप जो ये सब सिंबल देख के ही लीजिए कि ये सब सिंबल अगर आपके चार्ज ले रहे हैं उसमें बना हुआ है तभी लीजिए, वो आपका ओरिजिनल चार्जर है। अगर आप ये सब सिंबल नहीं बना हुआ है तो समझिए आपको दुकानदार जो है आपको पोपट बना रहा है, आपको उल्लू बना रहा है और आपसे अच्छे खासे चार्ज ले रहा है
ओरिजिनल चार्ज के नाम पे। तो ये सब पहले चार्ज लेने से पहले अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये सब चेक कर लीजिए कि आपका जो है चार्ज पर ये सिंबल है या नहीं। अगर ये सिंबल नहीं है तो समझ लीजिएगा आप कोई भी जो ऑनलाइन ले रहे हैं या दुकानदार से ले रहे हैं वो आपको पॉपअप बना रहा है। सो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, अगर आप इस तरीके से चार्जर को आप पहचान लेते हैं तो आप समझ पाइएगा कि ये ओरिजिनल चार्जर है। अगर आपके जो है चार्जर पे ये सिंबल नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है फेक है, डुप्लीकेट चार्जर है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।